क्यों नहीं किए? आज 20 25 30 साल से हम गोंडवाना में काम कर रहे हैं और गोंडवाना के लिए करेंगे और मरते दम तक करेंगे। तो साथियों, हमने भी बहुत अध्ययन किए। पहले हम पढ़ाई किए थे पास होने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए, नौकरी लग जाने के लिए। उसके बाद दादा हीरा सिंह मरकाम जी बने, आए और बोलने लगे कि अगर कलेक्टर भी बनेगी। उसी समय मैं पीएससी फाइट है, पीएससी की एग्जाम दी थी, यूपीएससी के फ्री में हो गया और इंटरव्यू भी दिए तो दे दी थी। दादा बोलते हैं कि कलेक्टर बनेगी तो एक एक जिला में रहेगी, इससे अच्छा तुमको मैं मध्य प्रदेश के मालकिन बनाती हूँ और मध्य प्रदेश के मातृ शक्तियों को जगाने की जिम्मेदारी आपको करना है। तुम्हारे यहाँ एक व्यक्ति सर्विस में है, अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो तुम भूखे नहीं मरोगे। इसलिए एक तुमको समाज के लिए काम करना है, इन गरीबों के लिए काम करना है जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऐसे समाज के लिए तुम्हें काम करना है करके दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने बोले। तब हमने उनके प्रेरणा से आज ये समाज के बीच में ये काम कर रहे हैं। और ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने सगा समाज को बता सकें कि आप लोगों के साथ में कैसे कैसे छल कपट होते हैं, आप लोगों के साथ में कैसे कैसे शोषण हो रहे हैं और कितना आप लोगों के साथ में और आगे करने वाले हैं। इसलिए हम लोग बहुत ये बोला करते थे पहले कि रत्नों में रत्न है, रत्नों में रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम है। और बहन बेटियों के साथ में सीधे कई प्रकार के शोषण हो रहे हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं तो उधर उनके साथ में शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है, और कहीं जा रहे तो तब उनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। फिर भी हमारे माताएं बहने कहीं के कहीं इनका ध्यान रहता है। तो मैं ये आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सोनी सोरी हो, चाहे आप झारखंड उड़ीसा तरफ जाइए, वहाँ के बेगुनोली एरिया में इधर बेगुनाह आदिवासी मारा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? उसका कारण यही है कि आप हम सब लोग संगठित होकर के आवाज नहीं उठाते हैं कि हमारे आदिवासी समाज के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटित हो रही आदिवासियों के साथ। ये आप सब लोगों को मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। और एक बात मैं और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, खास करके मेरी ये माताएं बहने मात्र शक्ति ये ध्यान दे, प्रधान समाज के लोग हैं, हमारी जो व्यवस्था ये मात्र प्रधान समाज व्यवस्था है और माताओं के नाम से व्यवस्थाएं चलते के यहाँ, और उनके जो गए हैं वो किस प्रकार के हम मात्र प्रधान व्यवस्था के लोग हैं और माताओं के हाथ में शासन और प्रशासन के बागडोर थे। और ये बागडोर किसने सौंपा था? हमारे धर्म गुरु फारी गोपाल लिंगो ने, क्योंकि माताएं कभी एक दूसरे के ऊपर भेदभाव कभी नहीं करती, वो सभी के ऊपर बराबर रूप से प्रेम भेद सम्मान करते हैं। माताएं जो होती हैं, चाहे वो कितने भी बच्चे हो जाए, लेकिन माताओं का जो प्रेम होता है वो माँ बाप के जो प्रेम है वो सभी बच्चों के ऊपर बराबर रहता है। तो इसीलिए धर्म गुरु फारी गोपाल लिंगो जी ने हमारे जो समाज की जो बागडोर है, शासन और सत्ता की जो बागडोर है, ये मात्र शक्तियों के हाथ में दिए थे। और इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है ये मात्र प्रधान व्यवस्था है। मात्र प्रधान व्यवस्था अर्थात माताओं के नाम से चलता है, पिता के नाम से नहीं, माताओं के नाम से चलता है। लेकिन धीरे धीरे दूसरे की व्यवस्था आर्य संस्कृति को अपनाते अपनाते हमारे लोगों ने इतने युद्ध लड़े, इतने संघर्ष करते करते अभी तक के आ रहे 5000 साल के जो संघर्ष है वो अभी तक के विराम नहीं लगा है। ये भी संघर्ष अभी जारी है, चाहे वो सामाजिक संघर्ष हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सभी प्रकार के संघर्ष करते करते हमारा समाज आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और इस संघर्ष को अब उस लक्ष्य तक पहुँचाना है, उस मंजिल तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे मात्र शक्तियों की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मात्र प्रधान समाज होने के नाते ये व्यवस्था को, इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारे मात्र शक्तियों की है। क्योंकि गोपाल लिंगो ने जब रानी और महारानी आपको बनाए, राजा और महाराजा आप लोगों को बनाए, तो उस समय तो ये सोच करके आप लोगों को रानी महारानी नहीं बनाए थे कि ये लोग कहीं रोड में लकड़ी और फाटा बेचने के काम करेंगे। उन्होंने इसलिए नहीं बनाए थे, उन्होंने इसलिए बनाए मात्र शक्तियों के हाथ में शासन और सत्ता के बागडोर दिए कि इस देश को, इस गोंडवाना को, इस बराबर रूप से चलाने के लिए, ताकि वो किसी के ऊपर भेदभाव ना करे। माताएं कभी भेदभाव नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो, तो वो भेदभाव ना करे,
ऐसे करके धर्म गुरु पारी गोपाल लिंगो ने कि इस देश में किसी समय में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, और उस सत्तात्मक व्यवस्था के चालक कौन लोग थे? हम गोंडियन लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को पढ़िए, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो व्यवस्था है, और जिसको कि हमारे गोंडी धर्माचार्य कंगाली जी ने जो सैंधवी सभ्यता जो लिपि जो लिखे वहां के लिपि है उसको गोंडी में ट्रांसलेट किए हैं, तो इससे भी साबित होता है कि हम इस देश के मालिक हैं, और इस देश में मात्र प्रधान व्यवस्था थी, और उसके बाद आदिवासी गोंडियन समाज के लोग हैं, चाहे वो कोई भी आदिवासी हो, चाहे वो गोड़ हो, कोरकू हो, मुंडा हो, भील हो, भिलाला हो, राम हो, संथाल हो, बोडो हो, चकमा हो, भारत के जितने भी आदिवासी लोग हैं, हम उस व्यवस्था उस सिंधु घाटी सभ्यता के जनक हैं। और दुनिया में यदि इस सभ्यता या मानव की जो सभ्यता है, इस मानव सभ्यता को स्थापित करने वाले भी हम आदिवासी लोग हैं, और इसीलिए तो कहते हैं दादाजी हमेशा कहते थे कि संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है, जिस दिन ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो साथियों हमारी जो संस्कृति है पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है, पूरे विश्व के लोग चाहे वो भारत के आदिवासी हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के आदिवासी हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, अंटार्कटिका के हो, सभी की व्यवस्था एक समान है। कहीं के लोग मगर जो होता है मगर को देव के रूप में मानते हैं, आप लोग वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग मगर को देव मानते हैं, हमारे में भी हमारे समाज की व्यवस्था में भी एक पशु एक पक्षी और ये तीन हमारे कुल चिन्ह है। इसी तरह से दुनिया के जितने ट्राइबल लोग हैं सभी की व्यवस्था में ये कुल चिन्ह है, तीन पशु पक्षी और एक पेड़। वो लोग भी जब भी कोई भी काम करेंगे तो उस अपने पशु पक्षी की जो भी वो देवता मानते हैं उनको पहले नमन करेंगे, उनके पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद कोई काम शुरुआत करते हैं। और उन्होंने भी दुनिया के आदिवासी लोग भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला जी हो, चाहे मार्टिन लूथर हो, विदेशी लोग भी, इन्होंने भी अपने हक के लिए अपने अस्तित्व के लिए अपने मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, और उन लोगों ने भी विदेशों में भी हमारे आदिवासियों के जमीनों को जैसे यहाँ हड़प रहे हैं, डैम बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, टाटा बिरला लोगों को कंपनी खोलने के लिए हमारे आदिवासियों की जमीन नहीं तो मिलती है, क्योंकि आदिवासी लोग सीधे साधे भोले भाले तो बोलते हैं कि इनको जैसा इनसे काम लो वैसा करवा लो, और ये लोग कर लेते हैं, तो हमारे जमीन को लूटने के लिए ये लोग बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे लोगों को लूट करके उनको हमारे समाज के जो लोग हैं मूक दर्शक बन करके देखते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उनको कई प्रकार के कहीं नक्सली बोलते हैं, तो कहीं आतंकवादी, तो कहीं नक्सलवादी, तो कहीं दुनिया भर के ऐसे नाम देते हैं। यदि हम अपने हक के लिए लड़े, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो वो लोग हमको दूसरे प्रकार से हमको परिभाषित करते हैं, हमारा नाम ही बदल देते हैं कि ये लोग तो वैसा है, तो ये लोग तो वैसा है, जबकि इस देश के जितनी जमीन है ये आप लोगों की है, जो कंपनियां बनी है वो आपकी जमीन पे बनी है, जो रेलवे लाइन पीछे वो आपकी जमीन है, आपके जमीन पे बनी हुई है, और मालिक लोग आप लोग दूसरों को नौकर लोगों को बना करके वहाँ बैठा करके राजा बैठा करके चुपचाप देख रहे हो, जैसा बोल रहा है वैसा करने में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप ये सब मत करिए, अब ये समय आ गया है अपने आप को राजा बनाने का, क्योंकि पहले राजा के बेटा राजा हुआ करते थे, लेकिन आज राजतंत्र नहीं है, आज प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में किससे राजा बनते हैं? मशीन से राजा बनते हैं, और आप जिस मशीन के बटन को दबाओगे वही राजा बनेगा, तो उस बटन को दबाने के लिए जब तक आप गोंडवाना के राजा नहीं बनाओगे तब तक के आपका कोई काम नहीं होने वाला, कोई बाजा नहीं बजने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला। सब लोग आप लोगों को बहकाने के काम करते हैं, सब लोग आपकी व्यवस्था को खत्म करने के काम करते हैं, जानते हैं कि ये भोले भाले लोग हैं, इनको कैसे कैसे खत्म किया जाए इसमें लगे हुए हैं,
और वो इसलिए लगे हुए हैं कि इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। इस धरती में रहेंगे, इस धरती को हिंदुस्तान नहीं बनाया जा सकता, इस देश को हिंदुस्तान नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए आप लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तो उस प्रलोभन से बचिए, उस प्रलोभन से बचिए, ताकि आने वाले समय में हमें अपने बहन बेटियों के मान सम्मान को बचाना है, उनके इज्जत को बचाना है, उनके उस हवा के रूप को मोड़ सकते हैं, तो ये हवा के रूप को मोड़ने का काम हमारे नवयुवक लोगों को करना चाहिए। क्योंकि नवयुवक लोगों में वो ताजा खून होता है, वो खून ताजा होता है तो वो जहाँ जैसे दौड़ना चाहे वैसे दौड़ सकते हैं। हमारे चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो हमारे पितृशक्ति हो, जितने भी नए युवक हमारे साथी हैं, आप लोग भी आगे आए। और आजकल के सभी हमारे युवा साथी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आजकल खूब इन लोगों ने अपने समाज के व्यवस्था के बारे में लिखते भी हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ में उस व्यवस्था को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने जिला में स्थापित करने के काम करेंगे, तभी ये सार्थक हो सकता है। अन्यथा हम फेसबुक व्हाट्सएप में खूब लिखते हैं और ये जानकारी भी मिलती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, तो ये भी जानकारियां मिलती है। और उसी के साथ साथ में सभी प्रकार के, चाहे वो सामाजिक चिंतन हो, आर्थिक चिंतन हो, शैक्षणिक हो, हर प्रकार के चिंतन मनन फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ने और देखने को मिलता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जितने मेरे नवयुवक भाई हैं, बहन हैं, दीदी हैं, सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समाज के आप लोग एक रक्षक बनिए, उनको सही दिशा देने के काम करिए, उनको आगे बढ़ाने के काम करिए। जो हमारे नवयुवक, हमारे माताएं बहने इधर उधर भटक रही हैं, उनको सही राह में लाने के काम भी करिए। और यही नहीं।